दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जो कैंडिडेट्स बीएड किए हुए हैं और आने वाले सीटेट एग्जाम में 1 to 5 का जो एग्जाम है, 1 to 5 का जो सेक्शन है उसमें बैठना चाहते हैं, उनके लिए जिनके लिए कि राजपत्र में नोटिस भी जारी की गई थी, उसके बाद तरह तरह की न्यूज़ आ रही है। और यहाँ पर लेटेस्ट एक सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज़ से यहाँ पर लोगों को एक कन्फर्मेशन मिल रही है कि अब आप सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है उसके पीछे का सच, हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि सबसे पहले वो न्यूज़ कहाँ से आई है, कब की आई है और क्या बेसिकली है। तो दोस्तों जब हमने उस न्यूज़ की पड़ताल की तो हमने पाया कि आज का जो 18 अगस्त का यहाँ पर दिल्ली का हिंदुस्तान पेपर है, वो पेपर जब अगर आप देखिएगा, चाहे वो ई पेपर देखिए या आप फिजिकल पेपर देखिए, तो उस पेपर के जब आप पेज नंबर 3 पे जाते हैं तो पेज नंबर 3 पे जहाँ पर कि खबर स्वर्गीय श्री अटल जी के यहाँ पर मृत्यु के बाद यहाँ पर कई तरह के न्यूज़ वहाँ पर आए पंचतत्व में विलीन होने की, ठीक उसी के नीचे यहाँ पर एक न्यूज़ है बीएड पास उम्मीदवार प्राइमरी सीटेट दे सकेंगे। ये न्यूज़ यहाँ पर जो है प्रकाशित की गई है आज के दिल्ली के, यानी कि आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त के दिल्ली के एडिशन में आज ये न्यूज़ प्रकाशित की गई है। तो जब हमने इस न्यूज़ को देखा तो इस न्यूज़ को पहले हम देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस न्यूज़ में यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि सीटेट को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच सीबीएसई ने कहा है कि बीएड पास उम्मीदवार भी पहली से पांचवी कक्षा के लिए सीटेट दे सकते हैं। मालूम हो कि 1 अगस्त से जारी सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्राइमरी स्तर के लिए सीटेट के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता में बीएड पास उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गई है। और सीबीएसई के एक आला अधिकारी ने हिंदुस्तान को बताया कि हम मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसमें बीएड उम्मीदवार को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अर्हता देने का एनसीटीई का निर्णय भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 7 नवंबर के पैराग्राफ में नोट में स्पष्ट लिखा गया है कि जो उम्मीदवार पहली से पांचवी और छठी से आठवीं दोनों स्तर में पढ़ाना चाहते हैं उसे दोनों पेपर देने होंगे। ऐसे में यह स्पष्ट है कि हम किसी को परीक्षा देने से रोक नहीं रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई सूचना स्पष्ट नहीं है, इसी वजह से छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कि सीटेट को लेकर अनिश्चितताओं के बीच सीबीएसई ने जानकारी दी, पहले प्राइमरी स्तर के लिए बीएड पास को जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बीएड पास उम्मीदवार भी प्राइमरी सीटेट दे पाएंगे, ये यहाँ पर आज का जो न्यूज़पेपर है यहाँ से स्पष्ट है। और ये न्यूज़पेपर का लिंक भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके खुद भी ये न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका सीटेट का वेबसाइट है, ठीक है, सीटेट की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो जैसा उन्होंने कहा कि सीटेट की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से चीज़ें नहीं दी हुई है, तो सीटेट के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आपका अभी भी वही है, अभी भी आपका पुराना नोटिफिकेशन नहीं है, जिसमें कि ये नहीं है कि आप बीएड हैं तो आप दे सकते हैं 1 to 5, ये वाली जो बीच में एक बार आई थी उसको हटा ली गई है, तो अभी तक उसे अपडेट नहीं की गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि एनसीटीई ने यहाँ पर जारी किया है, ये है एनसीटीई का राजपत्र जो आप लोगों ने देखा था, तो उन्होंने चूंकि यहाँ पर जारी किया है कि जो 50% के साथ यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो यहाँ पर बीएड और बीएड किए हुए हैं तो वो साथ ही साथ वो दे सकते हैं 1 to 5, ये यहाँ पर राजपत्र में जारी की गई थी, तो उसके बाद कोई मना नहीं कर सकता, ये बात ट्रू है। लेकिन सीटेट के नोटिफिकेशन में यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो बेसिकली आला अधिकारी का ये कहना था कि वो अप्लीकेबल तो हैं लेकिन हमारा नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर नहीं है तब तक आप कैसे सीटेट भर सकते हैं जो बीएड कैंडिडेट हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब कोई चीज़ राजपत्र में निकल जाता है तो वो चीज़ पूरी तरीके से हर जगह पे अप्लीकेबल होगा, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देख लीजिए जो हमने आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी बताई थी, यहाँ पर वीडियो में हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की भर्ती के बारे में आपको बताई थी, उसमें भी क्लियर यहाँ पर नोटिस में दे दिया गया था कि जो बीएड किए हुए हैं ग्रेजुएशन 50% से उनको मौका दिया जाएगा प्राइमरी में।
ठीक है, उसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही 14 अगस्त को ही नोटिस निकाल दी थी। तो वहां पे उस नोटिस के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया था, चूंकि राजपत्र में कहा जा रहा है तो उन्होंने क्लियर कर दिया था। सीटेट में भी यहां पर बिल्कुल अप्लीकेबल है, लेकिन अब सीटेट इस साल से अगर अप्लीकेबल कर रहा है तो उन्होंने जब तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं निकालेंगे ये चीज कन्फर्म नहीं होगी। ठीक है, कोई आला अधिकारी अगर बोल देते हैं या उसके बारे में अगर कोई न्यूज आ जाती है वो अलग चीज है, लेकिन ये चीज आप लोग भी समझ रहे हैं कि जब तक आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चीज़ें नहीं आएगी तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और भी एक बात है, अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पर न्यूज़ आती है तो यहाँ पर जो आपका सीटेट के वेबसाइट का मेन पेज है, ठीक है, मेन पेज अगर आप देखिए तो मेन पेज यहाँ पर कह रहा है कि ये 29 जुलाई 2011, 23 अगस्त 2010 के जो NCTE के रूल है उसके नोटिफिकेशन को यहाँ पर सीटेट अभी फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप राजपत्र में देखेंगे तो राजपत्र में यहाँ पर ये बदल गई है। राजपत्र में नोटिस जो है आपका है वो 29 जून 2018 का है। तो ये जो नोटिस होगा इसमें जो आपका राजपत्र में जो लिखा हुआ है, अगर ये जो आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें जो डेट्स है उस डेट के हिसाब से यहाँ पर जो है नोटिस सीटेट को अपने यहाँ पर वेबसाइट पर चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, राजपत्र में जो यहाँ पर जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो भी उनका पारा नंबर है या जो भी उनका डेट है NCTE का, वो वाला यहाँ पर नया वाला इनको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जो है पुराना वाला से चल रहे हैं, नया वाला उन्होंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो वो नया वाला ये अपडेट करेंगे, इनका जो रूल है सेक्शन है उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर अपडेट करेंगे, तभी सीटेट अप्लीकेबल हो सकते हैं। अभी उन्होंने चूंकि वेबसाइट पे जो बुलेटिन है उसमें अपडेट नहीं किया है, चीज़ें क्लियर नहीं की है, तो अभी वो लोग नहीं भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भरना तो है ही, लेकिन अभी अगर देखिए तो डेट आपका है 27 सितंबर तक। ठीक है, 27 सितंबर तक भरने का डेट है। अगर 27 सितंबर तक वो बुलेटिन चेंज कर देते हैं और उसके बाद सारा डिटेल्स अपडेट कर देते हैं तो बेशक यहाँ पर बीएड वाले भर सकते हैं। और हालांकि भरेंगे ही, अभी इन्होंने अपना वेबसाइट क्लियर नहीं किया है, लेकिन अभी जो भी आगे यहाँ पर आएगी स्टेट लेवल की या जो भी वैकेंसीज आएगी जहाँ पर की प्राइमरी की बात होगी, तो बीएड वाले पक्का अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि राजपत्र ने नोटिस निकाल दिया है तो सीटेट या कोई भी संस्था उसमें अब कुछ कर नहीं सकती है। करना तो होगा ही उनको, थोड़ा सा देर करे सवेर करे, लेकिन यहाँ पर चूंकि बात है कि 27 सितंबर ही डेट है और इस साल आपको अप्लीकेबल हो वो करेंगे कि नहीं करेंगे इस चीज़ में वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं नोटिस में उन्होंने क्लियर नहीं किया है। और ये भी बात सत्य है कि राजपत्र के बाद अगर वो यहाँ पर नोटिस क्लियर नहीं करते हैं और बीएड वाले नहीं भरते हैं तो फिर इसके बाद कहीं ना कहीं CBSE को जो सीटेट कंडक्ट कर रही है उनको परेशानी भी होगी कि अगर वो इस साल वो अप्लीकेबल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो फिर उसमें दिक्कत भी हो जाएगी उनको। ठीक है, तो ये सब बात है, लेकिन जब तक आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लियर नहीं होता है ऑफिशियली रूप से तब तक आप अपनी यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप अप्लीकेबल हैं, जब राजपत्र में निकल जाता है कोई चीज़ तो फिर उसमें कुछ भी आगे इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत जगह पे शुरू भी हो गया है जैसा कि हमने आपको केंद्रीय विद्यालय का भी अभी दिखाया। तो लेकिन जब तक ये लोग यहाँ पर क्लियर नहीं करते हैं आप नहीं भर सकते हैं, और चाहे यहाँ पर न्यूज़ आए या कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाए, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ के बाद ही, ऑफिशियल नोटिस के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई यहाँ पर होने में कोई यहाँ पर जो कहिएगा दो मत नहीं है, लेकिन उनके वेबसाइट पे अभी नहीं आई है, कोई आगे अपडेट आएगी तो हम आपके बीच लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।